पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ का इस्तीफा नामंजूर होने के बाद राजधानी चंडीगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सुनील जाखड़ का इस्तीफा नामंजूर होने को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी जीत माना जा रहा है। जानकार सूत्रों का मानना है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस में अपने विरोधियों को टिकाने लगाने का अभियान शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत बागी कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखाने से हो सकती है। दोस्तों, आज हम पंजाब की राजनीति के बदले हुए समीकरणों पर विस्तार से बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नवजोत सिद्धू के राजनीतिक भविष्य के बारे में भी दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में आने के बाद पंजाब के राजनीतिक समीकरण एकदम से बदल गए हैं। राहुल गांधी के मुकाबले सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। पिछले सप्ताह सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ भी शामिल हुए थे। इसी बैठक के बाद ही सुनील जाखड़ का इस्तीफा मंजूर न करने का निर्णय लिया गया। गुरदासपुर लोकसभा सीट से भाजपा के सन्नी देओल से हारने के बाद सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनील जाखड़ के इस्तीफे को गैर जरूरी बताया था। माना जा रहा है कि जलालाबाद, दाखा, फगवाड़ा और मुकेरिया विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए सुनील जाखड़ का इस्तीफा नामंजूर किया गया है। पंजाब विधानसभा के उपचुनाव हरियाणा के साथ करवाए जा सकते हैं। इस्तीफा नामंजूर होने के बाद सुनील जाखड़ एक्शन में हैं। सुनील जाखड़ ने 17 सितंबर को चंडीगढ़ में स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में बैठक बुलाई है। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा विधायकों, सांसदों और जिला प्रधानों को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सेंटर स्टेज से गायब होने के बाद नवजोत सिद्धू काफी कमजोर हो गए हैं। एक सप्ताह पहले तक नवजोत सिद्धू को पंजाब या दिल्ली कांग्रेस का प्रधान बनाने के कयास लगाए जा रहे थे। आज वह नवजोत सिद्धू पूरी तरह से हाशिए पर हैं। इसका फायदा उठाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नवजोत सिद्धू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद नवजोत सिद्धू के परगट सिंह जैसे साथियों की बारी भी आ सकती है। तो क्या नवजोत सिद्धू के राजनीतिक भविष्य पर विराम लग गया है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमने चंडीगढ़ में नवजोत सिद्धू के करीबी सूत्रों से संपर्क किया। पता चला कि नवजोत सिद्धू के पास कांग्रेस से बेहतर विकल्प मौजूद हैं। नवजोत सिद्धू के पास मौजूद विकल्पों पर जल्दी ही हम अलग से चर्चा करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।